हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम रोज चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पेंटिंग से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो दे रहा हूँ। तो आज मेरे पास में कुछ है आपको दिखाने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम काम करते हैं और उसका बिल बना के देते हैं, तो कुछ पेंटर्स हैं जिनको काफ़ी दिक्कत आती है इस मामले में और वो कच्चा बिल बना के दे देते हैं और उनके पास में बिल बुक नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उनको लिख के देना पड़ता है, दिक्कत आती है उनको, उनके बिल पास भी नहीं होते हैं। तो उन पेंटरों के लिए आज मैंने आपके सामने वो सॉल्यूशन लिखा है कि ताकि उनको दिक्कत ना आए। दूसरी दिक्कत ये है पेंटरों की कि कुछ लोग होते हैं जो उनसे काम तो करवा लेते हैं लेकिन उनको पैसा नहीं देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो छोटे गांव में रहने वाले पेंटरों के लिए और जो तहसील लेवल पे या छोटे स्तर पे जो कमज़ोर वर्ग के हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि यार कोई की मजदूरी कोई इंसान खा जाए कर जाए, तो इसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया। ऐसा कई बार होता है कुछ लोग काम करा लेते हैं, बड़े बड़े नाम लिखा लेते हैं, आपको कई बार चेक भी दे देते हैं, तो ऐसे इसका सॉल्यूशन के बारे में आज मैंने वीडियो बनाने के लिए मैंने कहा इसके मामले में वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो बिल बुक आपके पास में किस तरह की होनी चाहिए तो उसके बारे में मैं बना देता हूँ। ये देखो मैंने बना रखा है गौतम आर्ट्स के नाम से और इसके अंदर और आपको यहाँ पे सीरियल नंबर है या डिस्क्रिप्शन है या क्वालिटी है या साइज है, ये टोटल स्क्वायर फीट है या रेट है या अमाउंट के बारे में। तो ये देखिए इस तरह से आप अपनी बिल बुक तैयार करिए। यहाँ पे कुछ कंडीशन है 7 डेज़ के मामले में, यहाँ आपके साइन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एक अपनी बिल बुक कंप्लीट पेंटिंग के फील्ड में अगर आप हो तो आप करा सकते हो। और ये आज मैंने इस मामले में ही बनाया किया। दूसरी चीज़ और है कि कुछ पेंटरों के पास में लेटर पेड होना बहुत ज़रूरी है। लेटर पेड के अंदर भी कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका एड्रेस पता वता वगैरह होगा, नंबर वंबर होंगे, दिनांक होगा, पार्टी के नाम होंगे। यहाँ पे जो नीचे जो खाली पन्ना होगा उसके अंदर एक शर्त लिखी जाएगी, भाई आप ये काम हमें दे रहे हो और इस उस अगली पार्टी के यहाँ पे साइन होंगे और अपने भी साइन यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि क्या होगा कि अगर कभी भविष्य में अगर किसी पेंटर को अगर वो अगली पार्टी पे हिस्से देने से मना भी करें तो आप कोर्ट के माध्यम से आप उससे पैसे निकलवा सकते हो। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और रही बात है चेक के मामले में, तो चेक का प्रोसेस कुछ अलग है। चेक को बाउंस किया जाता है और मैं एक राय यही दूंगा कि अगर आप सीधे सीधे रास्ते जाओगे तो वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। पैसे निकलवाने के लिए लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है और आप कोर्ट के माध्यम से हर तरह से आप हेल्प ले सकते हैं और इस तरह की बिल बुक का आपके पास में होना ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में दोगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। और आजकल तो ये GST नंबर वगैरह भी मांगते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे ध्यान में है। और फिर भी अगर कहीं ना कहीं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उस नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अधिकतर तो छोटे छोटे काम ही होते हैं डिपार्टमेंटों के अंदर और ज़्यादा बड़ा बिल भी नहीं बनता है, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे अगर कोई काम कर रहे हो तो नोट पेड लेटर पेड का ज़रूर उपयोग करें और लेटर पेड पे साइन करवाए पार्टी के। तो इस वीडियो में मैंने कहा कि कुछ काम करने वाले हैं, वैसे तो जितने भी जो छोटे मोटे काम करने वाले पेंटर और भी होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे पेंटर सक्षम होंगे
पेमेंट के मामले में, लेने के मामले में, लेन देन के हिसाब के मामले में। उस पर इंटरेस्ट भी होंगे जो कमज़ोर वर्ग के अंदर उसको हम गिन सकते हैं, जिनकी मजदूरी खा जाते हैं लोग बाग, और ऐसे कई लोग बाग बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है। और मैं ये कहूँगा कि आप किसी की मजदूरी न खाएं, किसी का पैसा न खाएं, ईमानदारी से लेन देन करेंगे तो ही हमारा व्यापार भी अच्छा चलेगा, काम भी अच्छा चलेगा। तो ये पेंटरों के साथ में होने वाली सबसे बड़ी दिक्कत थी जो आज मैंने आपके सामने रखी है कि भाई इस तरह से दिक्कत आती है। तो बिल बुक बनाइए, लेटर पेड बनाइए, और अगर आप पेंटिंग का काम करते हैं तो उसको आपके फील्ड में काम में लीजिए। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर और क्या डालते हैं, हाँ एक और चीज़ है, आप आपकी एक जो वो छाप होती है पेंटिंग लाइन के अंदर का, आप किस नाम से अगर काम करते हो, कई बार एक दिक्कत और आती है कि आपने जो बिल बुक के अंदर जो नाम है और वही नाम आपके अकाउंट जो सॉरी जो आपके बैंक की जो पासबुक है और ये जो बिल बुक का नाम है वो मैच नहीं खाता है कई बार, तो आप नीचे वो लिख सकते हैं लाइन, अगर आपके जो दुकान का नाम है वो अलग है और पासबुक का अंदर नाम अलग है तो उसको कभी कभी पास होने में भी दिक्कत आ जाती है। तो आप ये नाम लिख के एक नीचे एक को नाम आप लिख सकते हो पेन से और उसको हाईलाइट करा सकते हो, या फिर आप नीचे उसके अंदर ही आप एक जो आपकी बैंक डायरी के अंदर नाम है वो नाम भी यहाँ ऐड कर सकते हो, ताकि आपका जो पैसा है वो अटके नहीं और उसको क्लियर होने में दिक्कत नहीं आए। और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो बैंक के ट्रांजैक्शन के अंदर हमेशा ध्यान रखिए कि एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। अब धीरे धीरे जो भी बैंक के जो काम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम होने लग गए हैं, एटीएम हो या पैन कार्ड हो या जो भी काम होते हैं गवर्नमेंट के, यहाँ तक कि मार्क शीटों के अंदर जो नाम के अंदर भी अगर करेक्शन होने लग गया है और होना ज़रूरी है, एकदम क्लैरिटी बनी रहे हर मामले के अंदर, तो आज मैंने वीडियो के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया है कि इस तरह की आपके पास में बिल बुक होना ज़रूरी है और लेटर पेड भी होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, जो छोटे छोटे जो पेंटर बनते हैं या पेंटर होते हैं या छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, तो उनके पास में भी एक छोटा सा अगर बिल बुक होगा तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं जो भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, और बताएंगे आपको पेंटिंग से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो, और जो भी छोटे मोटे जो काम करते हैं पेंटिंग लाइन में वो आपके सामने लाते जाएंगे। और इस वीडियो में एक और है, इस तरह का एक चौक होता है, ये भी चौक आप काम में ले सकते हो, ये टेलर की दुकानों पे मिलेगा इस तरह का चौक, पड़ा हुआ था तो कह दिया के वीडियो के अंदर ऐड हो जाए। तो ये चौक है इस तरह का जो टेलर की दुकान पे आपको मिल जाएगा, ये भी सूत के ऊपर अपने को काम में लेने के लिए काम आ सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितने भी अपने आर्टिस्ट फील्ड के हैं या कोई भी है इस वीडियो को देख रहा है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।